है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो बीएड सेकंड ईयर का एक चैप्टर होता है नगरीकरण से, चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नगरीकरण क्या है, नगरीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस चीज़ का किससे संबंध होता है और शिक्षा क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस समय बहुविकल्पी में भी एग्जाम होने के आसार हैं और हो सके तो शायद बहुविकल्पी में ही एग्ज़ाम हो गए, लेकिन बहुविकल्पी में एग्ज़ाम होगी उसमें से भी आपको ये थ्योरी ज़रूर पढ़ना ज़रूरी होगा। थ्योरी से ही बहुविकल्पी छाट के होते हैं क्योंकि बहुविकल्पी का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, तो इसलिए चलिए इसको पढ़ते हैं और इससे अध्ययन अच्छे से करेंगे। इस चैप्टर को नगरीकरण को अच्छे से पढ़ेंगे, इससे आप हमें ये भी पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलिए इसका अध्ययन करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी यहाँ पर इसको नोट्स बनाना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फ़ोन में सेव कर सकते हैं, आपको उसका मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाबी घेरे में जो लिया है टॉपिक हमारा है तो वो पर्यावरण हमारा बुक का नाम है और ये नगरीकरण, नगरीकरण हमारा चैप्टर है। ठीक, जनसंख्या और पर्यावरण पढ़ा जाता है इसमें, तो उसमें नगरीकरण एक चैप्टर होता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि नगरीकरण का अर्थ क्या होता है। नगरीकरण का अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर बहुत अच्छे से इसको थ्योरी में लिखा जा सकता है। थ्योरी आपको बहुत जगह मिल जाएगी, आप पढ़ लेंगे, लेकिन मेन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है वही मायने रखता है, उसी पे आपको नंबर मिलता है। पहले तो नगरीकरण की परिभाषा आप कुछ भी लिख दीजिए, इन्हीं सब थ्योरी में से जो इन लोगों ने जो बोला है उसको आप लिख दीजिए। तो नगरीकरण में आप जो सामान्य अर्थ है, नगरों में वृद्धि, इसको फुल एक्सप्लेनेशन करिए, अपने जितना मन करे इसको लिख दीजिए कि गाँवों को शहरों में आके बसना या फिर लोगों का कृषि छोड़कर कोई और काम करने लगना, व्यवसाय करने लगना ही नगरीकरण होता है। लोग का ज़्यादा शिक्षित हो जाना नगरीकरण होता है। तो इस चीज़ आपको आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है पूरी तरीक़ा से। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि जो सामान्य अर्थ इसका है, नगरों में वृद्धि है। ये चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर दिया है कि नगरों में वृद्धि ही नगरीकरण है। अब इसको पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि डेविस जो एक क्या बोला है उन्होंने, तो डेविस के अनुसार ये है कि नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का एक ऐसा चक्र है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है, कृषक जनसंख्या होती है, वो जनसंख्या जो कृषक होती है को औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गाँव में रहता है और वो कृषि करता है और वो कृषि करना छोड़कर औद्योगिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, जैसे कोई फैक्ट्री खोल लिया, कोई दुकान खोल लिया, इसको कहते हैं नगरीकरण, तो डेविस के अनुसार। अब यहाँ पर आता है एक और, हमारे आते हैं महानुभाव जी, इनके बारे में करेंगे। ये हैं बर्गेल जी। बर्गेल के अनुसार ये दिया गया है, इसको सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंट है ये हुआ। तो बर्गेल जी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को नगरीकरण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, बातों को घुमा फिरा कर सभी ने एक ही बात कहा है। आप जानते होंगे कि एक होता है चीज़ टर्म होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट ये होता है कि आप अगर किस चीज़ को बोले, अगर सेम कोई और उसको बोलेगा तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, तो आपने जो बोला उसका कॉपीराइट आपके पास है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं कि जो बर्गेल ने भी वही उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला है और थोड़ा सा बदल के बोला है। तो उन्होंने यही बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन को नगरीकरण कहा जाता है। तो नगरीकरण का परिभाषा यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, लेकिन आप एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने क्या बोला है, विभिन्न राष्ट्रों का समूह होता है, ये बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरी क्षेत्रों में जाकर रहना या काम करना नगरीकरण है। अब बताइए, बर्गेल ने भी वही चीज़ बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वही चीज़ बोला, लेकिन शब्दों का हेर फेर है। तो इसको भी लिखना है, इसको भी अच्छे से लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखते समय एक गलती किया है कि इसको इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखा है, तो ये गलती माफ़ करिए, इन्वर्टेड कामा में आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरी क्षेत्रों में जाकर रहना या काम करना नगरीकरण कहलाता है। तो इसको याद कर लेंगे। फिर एक आते हैं ट्रिवार्था के बाद इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं अच्छे, इसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं खरीद कर। तो ट्रिवार्था के अनुसार था कि नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है,
इसमें किसी राष्ट्र कृषि समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। तो इन्होंने भी वही चीज़ बोला है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या बोला था, कृषक जनसंख्या, तो जनसंख्या के साथ कृषक जोड़ दिया था, ग्रामीण जनसंख्या इन्होंने बोला था, यहाँ पर उसी को इन्होंने कृषक समाज सीधे बोल दिया है, यानी कि जो नगरीकरण में नहीं है वो कृषि करता है। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हेडलाइन कर लीजिए, आप जिस तरह करना चाहें उस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हेडलाइन आप करिए, जो ये चीज़, सॉरी, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इसको गिनिए कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि नगरीकरण का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से है जहाँ प्रति वर्ग मील की जनसंख्या का घनत्व 1,000 पर्सन से अधिक हो और वहाँ व्यवहारिक रूप से कृषि न की जाती हो। इसको आप नोट करिए, इसको आप पेन कॉपी से लिख लीजिए, ये चीज़ एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ बार बार एग्जाम में बहुविकल्पी में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ये है विक्लॉक्स के अनुसार, क्योंकि इसमें नंबर पर्सन ऑफ नंबर दे दिया है, नंबर ऑफ पर्सन इसमें दे दिया गया है। तो इसको विक्लॉक्स के अनुसार पढ़ लीजिए कि नगरीकरण का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से है जहाँ प्रति वर्ग मील की जनसंख्या का घनत्व 1,000 पर्सन से अधिक हो और वहाँ व्यवहारिक रूप से कृषि न की जाती हो। तो इसके बाद ये टॉपिक तो आपको समझ में आया कि नगरीकरण के बारे में किसने क्या कहा था। डेविस जी ने वही चीज़ कहा था, बर्गेन ने वही किया था, संयुक्त राष्ट्र ने वही कहा था, टिवार टेउसर वही कहा था, और विक्लॉक्स ने। तो आपको, हमको लग रहा है सबसे इसमें आसान आपको लग रहा होगा विक्लॉक्स वाला, आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा, और बर्गेल का याद हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का याद हो जाएगा, बाकी का आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसे इधर को उधर करके लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा नगरीकरण, तो आपने पढ़ लिया, ये है कि नगरीकरण की प्रक्रिया एवं इसके चरण। नगरीकरण के आपको एग्जाम में बहुविकल्पी में ये भी पूछ देगा, पहले तो इन पांचों लोग का विचार दे देगा, बोलेगा किसने कौन कहा, कौन किसने क्या कहा है। उसके बाद आपको पूछेगा कि नगरीकरण के कितने चरण होते हैं, तो आपको तुरंत बताना है नगरीकरण के होते हैं 3 चरण, जिसमें प्रथम चरण, प्रारंभिक चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण, ये 3 चरण होते हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए और इसको एक्सप्लेन करिए कितने चरण होते हैं, कितने क्या होते हैं, आपको इसके जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर प्रथम चरण की। तो पहले आप ये चीज़ पढ़ लिए, अब आप पढ़िए प्रथम या प्रारंभिक चरण। तो प्रथम या प्रारंभिक चरण को पढ़ेंगे, तो इसके लिए शुरू करते हैं, यहाँ से आप नोट करते रहिए। इसके अंतर्गत जनसंख्या के 20 से 25% जनसंख्या में नगरों में निवास करती है, यानी कि अगर कोई देश है उसकी 20 से 25 जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी कि गांवों में ज़्यादा लोग निवास करेंगे, 80 से 75 से 80%, तो जनसंख्या प्रथम या प्रारंभिक चरण में गिनी जाएगी। इस चरण के देशों में अधिकांश लोग प्रारंभिक तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, साथ ही इन देशों में प्राथमिक व्यवसायों में अधिक लोग लगे होते हैं। कुछ जनसंख्या द्वितीय तथा कुछ तृतीय कार्यों में संलग्न होती है। और यहाँ पर दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को आप नोट करिए, इस प्रकार के देश अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो अल्प विकसित देश वो होते हैं, इसको आप समझिए, इसको आपको कुछ याद नहीं करना है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, बस आपको पता नहीं है कि इसमें लिखना क्या है। तो अल्प विकसित देश कैसे होते हैं कि आपको जानते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, शहर में कम लोग रहते हैं, वही चीज़ इसमें बताया कि जनसंख्या में 20 से 25% लोग ही नगरों में निवास करती है, बाकी लोग गाँव में निवास करती है। तो आप जानते होंगे कि ऐसे कौन से देश होते हैं, जाहिर सी बात है अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, बहुत सालों पहले इंडिया, और वैसे भी इंडिया भी वैसे ही था, लेकिन अब इंडिया हम लोग का, अब आगे पढ़ेंगे, हम लोग का द्वितीय चरण में आ चुके हैं हम लोग। तो ये आपका अफ्रीकन कंट्री इसके उदाहरण हैं। अब आप पढ़ते हैं द्वितीय चरण, द्वितीय चरण को पढ़ेंगे, द्वितीय चरण भी
अच्छे से आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें बताया गया कि इसमें 30% से अधिक जनसंख्या नगरों में रहने लगती है, यानी कि कोई भी देश पहले प्राथमिक चरण में रहता है, फिर लोगों गांव के लोग थोड़ा शिक्षित होते हैं, उनको काम करने आने लगता है, कुछ पढ़ने लिखने आने लगता है, काम उनको रोजगार मिलने लगता है शहरों में, तो वो शहर की तरफ भागते हैं, शहर की तरफ भागेंगे, कुछ काम करेंगे, देश का विकास होगा। तो इसमें द्वितीय चरण ये होता है कि इसमें 30% से अधिक जनसंख्या नगरों में रहने लगती है, पहले नहीं रहती थी, रहने लगती है, तथा ये नगरों में द्वितीय या तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। आगे आपको बताएंगे क्रियाकलाप द्वितीय तृतीय क्या होता है। इसमें औद्योगिक वाणिज्यिक इस चरण में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, यानी कि जिसे लोग बताया ना कि गाँवों से लोग शहरों में चले जाते हैं, जाने लगते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर दिया गया कि अवस्था विश्व के विकासशील देशों में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट में क्या बताया गया है, जैसे इंडिया, इंडिया इस समय द्वितीय चरण से तृतीय चरण में यानी कि अंतिम चरण में जा रहा है। जैसे जनसंख्या, यहाँ पर एजुकेशन कितना है, यहाँ पर एजुकेशन मानेंगे 65% एबव होगा, लेकिन अभी आप यूएसए जाइए और ये जापान जाइए, वहाँ पर 99.99% एजुकेटेड लोग होते हैं, यानी कि 100% तक होते हैं। तो वैसे देश अंतिम चरण में आते हैं। तो ये हमारा द्वितीय चरण था। यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये चारों बहुत बड़े बड़े शहर हैं और इनमें जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शहरों में घनत्व होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाँवों में जनसंख्या है ही नहीं, यहाँ पर गाँवों में भी उतनी जनसंख्या है, उससे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन है कि अपेक्षाकृत उन शहरों में ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसको द्वितीय चरण कहा जाता है। द्वितीय चरण की जनसंख्या इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर शहरों में जनसंख्या है और बढ़ रही है। आप जानते होंगे कि अभी लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग शहरों से गाँव आ रहे थे, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर गाँवों से शहरों में जाकर काम करने लगे थे और वहाँ पर रोजगार करने लगे थे, और औद्योगिक में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, इसको कहा जाता है कि द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन लगा, लोग घर भागने लगे, गाँव में आने लगे, तो इसको कहा जाता है द्वितीय चरण। अब बात करेंगे लास्ट, हमारा अंतिम है अंतिम चरण। अंतिम चरण के बारे में हम पढ़ेंगे, अंतिम चरण की जनसंख्या यानी कि अंतिम चरण का क्या होती है नगरीकरण की। तो अंतिम चरण में यहाँ पर आएंगे कि ये दिया है कि इसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, इस चरण में 70% से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो आप इसको इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। पहले में था 20-30% के आसपास, उसके बाद 30% से अधिक, और इसमें है कि 70% से अधिक जनसंख्या निवास करती है शहरों में, नगरों में, और यहाँ जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीय जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यहाँ पर या तो जनसंख्या भी वृद्धि नहीं होती है और नगरीय जनसंख्या भी स्थिर हो जाती है, यानी कि गांव से लोग शहर नहीं जाते काम करने के लिए, जो गांव में है वो वहीं पे खुश हैं, थोड़ा सा गांव बचे हैं, और जो शहर में वहीं खुश हैं, और जनसंख्या भी वृद्धि नहीं होती है, और यहाँ के लोग तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों में लगे होते हैं, यानी कि कोई बैंक में काम करेगा, कोई किसी का फैक्ट्री ही रहेगा, अच्छे अच्छे लोग काम करेंगे, और यहाँ के लोग, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% एजुकेटेड होते हैं। यहाँ पर बताया ना मैं आपसे, 70% से अधिक जनसंख्या शहरों निवास क्यों करती है। अब यहाँ पर यूएसए चले जाएंगे, जापान में चले जाएंगे, तो वहाँ पर छोटे देश हैं और गांव तो वहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है गांव हो जरूर होंगे, लेकिन गाँव में बहुत कम लोग होंगे, और जो भी होंगे लोग ना शहर में निवास करेंगे, वो भागने या इधर उधर जाने होने वाले नहीं होंगे, वहीं पर निवास करेंगे और अच्छे काम करेंगे। तो इस प्रकार के देश कौन से हैं, एक यूएसए और जापान का उदाहरण आप ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर जरूर करें, और इसी प्रकार का वीडियो रोज़ आता रहेगा। और आपके कोई दोस्त मित्र होंगे जो बीएड सेकंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, कोई भी पाठ्यक्रम हो, उसमें ये चीज़ ज़रूर उनसे पूछा जाता है, तो उनके लिए उपयोगी है, उसके पास शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, और आशा करते हैं आप चैनल को ग्रो करने में सहायता करेंगे, मेहनत को साकार करें, और इसके साथ गुड नाइट, थैंक यू।